हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएचयू पाठशाला नेहा दस साइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीए कोर्स के लिए क्या रहने वाला है 2020-22 में। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस कट ऑफ और काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी तक जारी नहीं की है। जब भी जारी करेगा आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अभी आप सब काफ़ी पैनिक हो रहे हो, मेरे इतने में इतने मार्क्स आए हैं, क्या मेरे को मेन कैंपस मिलेगा, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि हाँ, अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो गया है, इसी वजह से आप पैनिक हो रहे हो, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है इस रिगार्डिंग। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हर बार लेट करता है, अब कुछ रीज़न भी है इस बार। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम एरर किया है, अब उस एरर को सही करने में थोड़ा ये वक्त ले रहा है। क्योंकि आप बात को समझिए, यहाँ पे आप 10 या 15 बच्चे नहीं हो, यहाँ पे संख्या बड़ी है, ठीक है। इस वजह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, ठीक है। जैसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, कट ऑफ बनकर तैयार होती है, कट ऑफ रिलीज कर दी जाएगी, ओके। अब अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई इशू आई नहीं थी, इसीलिए वो टाइम से हो रहा है, ओके। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, इस वीडियो में हम 2020 एंड 2021 दोनों की कट ऑफ को पहले देखेंगे, और आपको भी हमारे साथ देखकर एनालिसिस करना है। उसके बाद हम 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ओके। कितने कितने मार्क्स तक आपका एडमिशन होगा, लोएस्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है, हाईएस्ट कितना जाएगा, एफिलिएट कॉलेजेस का क्या हाल रहने वाला है, ठीक है। ये सभी वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे, किस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कम होते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम 2020 की कट ऑफ देखते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 से, यानी कि इस वर्ष से, इस साल से CUET आया है, ठीक है। इसके पहले 2021 में, 2020 में आपका बिना CUET के, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कराती थी, राइट। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी BA कोर्स के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कराती थी। उस वक्त जो है आपका, देखिए, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स का BA कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, ओके। अब इस 300 मार्क्स में 2020 में जो है आपका कितना रहा है कट ऑफ, तो अगर हम बात करें हाईएस्ट कट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए, कहने का मतलब ये है हाईएस्ट कट ऑफ से कि सबसे पहले राउंड में जो काउंसलिंग चली थी, सबसे पहले राउंड की जो काउंसलिंग हुई, उस काउंसलिंग में उन बच्चों को बुलाया गया जिनका नंबर 186 है या उससे ज़्यादा है। 186 एंड एवर वाले बच्चों को पहली राउंड की काउंसलिंग में बुलाया गया, ऑल कैटेगरी, यानी कि वो जनरल के हैं या OBC हैं, SC, EWS, ST, सभी कैटेगरी के बच्चों को, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ST वाले सभी बच्चे को बुलाया जाता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप ST से बिलोंग करते हैं, तो आपका कितना भी मार्क्स है, आप एडमिशन लेने के लिए इन्वाइटेड हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले राउंड की काउंसलिंग 186 पर हुई है। अब हम बात करते हैं लोएस्ट कट ऑफ, यानी कि कितने कम नंबर तक, किस कास्ट में कितने कम नंबर तक एडमिशन हुआ था 2020 में। तो टोटल 300 मार्क्स का था, ठीक, पहली कट ऑफ 186 गई थी। अब जनरल के लिए लोएस्ट कट ऑफ जो है 2020 में 161 तक गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी में 161 मार्क्स तक के बच्चों का एडमिशन मेन कैंपस में BA कोर्स के लिए हुआ है 2020 में। OBC में 133 मार्क्स तक एडमिशन हुआ है मेन कैंपस में BA कोर्स में। SC में 99 मार्क्स तक नंबर कम हुआ है, यानी कि कट ऑफ 99 मार्क्स तक गिरी है, ठीक है। देख रहे हैं आप, 99 नंबर तक नंबर गिरा है मेन कैंपस के लिए, ये बात हो रही है मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है। EWS में 114 तक आपका नंबर गिरा है, लोएस्ट कट ऑफ 114 रही है, मतलब जो बच्चे EWS कैटेगरी के हैं उनका 114 नंबर तक एडमिशन हुआ है, ठीक। अब देखिए, 2021 में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कराया है, यानी कि 2021 में भी CUET नहीं आया था, ओके। यानी कि तब भी जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कितनी 300 मार्क्स का हुआ है 2021 में भी। चलिए, अब देखते हैं 300 में से आपका जो है कितना हाईएस्ट गया है कट ऑफ। तो देखिए, 2021 में 210 और उससे ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को पहले राउंड की काउंसलिंग में बुलाया गया है, यानी कि 300 में 210, 70%, देख रहे हैं ना, 70% वालों को बुलाया गया है, 70% वाले बच्चों को पहली राउंड में बुलाया गया है, ध्यान दीजिएगा, ओके।
पहली राउंड में 210 और उससे ज़्यादा वालों को बुलाया गया है 300 में से। अब हम बात करते हैं लोएस्ट। तो लोएस्ट में ना एक बात आप ध्यान रखिए, जो कट ऑफ गिरती है वो किस बेस पे गिरती है। अब देखिए जैसे कि जनरल का 2021 में कितना रहा है, 188, मतलब कि 188 मार्क्स तक कट ऑफ गिरा है, यानी कि जनरल कास्ट में 188 मार्क्स तक एडमिशन हुआ है। अगर अब जनरल कास्ट में 188 मार्क्स पर भी सीटें फुल नहीं होती, सीट्स फुल नहीं होती, तब इस केस में 188 मार्क्स से भी कट ऑफ नीचे जाती, यानी कि एक और राउंड चलता और उस राउंड में जनरल कास्ट के लिए 188 से कम वाले बच्चों को बुलाया जाता, ठीक है। लेकिन 2021 में 188 मार्क्स तक सीट फुल हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जनरल कास्ट के लिए लोएस्ट कट ऑफ 188 रही, 188 मार्क्स तक वालों का एडमिशन हुआ। ओबीसी में 164 लास्ट रहा, एससी में 133, ईडब्ल्यूएस में 165 और एसटी में ऑल। देखिए अब हम बात करते हैं 2022 में आपका बीए कोर्स के लिए क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो आपको ये ध्यान में है कि 2022 में आपका सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है बीए कोर्स के लिए, ठीक है, यानी कि टोटल 900 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है बीए कोर्स के लिए 2022 में सीयूईटी के थ्रू। ओके, इस बार टोटल कितना मार्क्स रहा है, 900 का टोटल जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। अब इस 900 में आपका पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है। देखिए आपको अदर यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रीवियस कट ऑफ से कंपेयर करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं, आपने खुद भी देखा। तो देखिए पहला कट ऑफ जो है आपका 600 प्लस आपका जा सकता है, 600 एंड एवव वालों को पहले राउंड की काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है, ऑल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी वाले तो ऑल बुलाए जाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है, एसटी वाले ऑल बुलाए जाते हैं। ओके, तो पहले राउंड में आपको 600 बुलाया जाएगा। अब 600 देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मार्क्स जो है जब तक सीट नहीं फुल होती है कम होते रहते हैं, मतलब कट ऑफ लोएस्ट जाती है, गिरती है कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए बात दरअसल ये है कि अदर यूनिवर्सिटी में जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकेंड राउंड चल रहा है, ठीक है। तो अब जो बच्चों का हाईएस्ट मार्क्स आया है 700 प्लस है, जिनका 600 प्लस है, उनका एडमिशन तो इन कॉलेज में हो जाएगा, वो बच्चे बीएचयू में, डीयू में, मतलब जिन कॉलेजेस में भी अभी चल रहा है उन कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेंगे। अब बचेंगे कौन से बच्चे, जिनका एडमिशन उन कॉलेज में नहीं हो पाएगा। अब वो बच्चे बचे हैं, वो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए। कुछ बच्चे हाँ ऐसे भी होंगे जिनका अच्छा मार्क्स होगा, उन्होंने उन कॉलेजेस का या तो फिल नहीं किया होगा या तो वहाँ पर नहीं जाना होगा उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिनका अच्छा मार्क्स अगर आया है तो वो बीएचयू, डीयू जैसी कॉलेज में जाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कम मार्क्स वाले बच्चे बच रहे हैं जब इसका लास्ट में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ गिरेगी, बहुत कम जाएगी, बहुत लो जाने वाली है कट ऑफ, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। चलिए अब हम लोएस्ट कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं कि लोएस्ट कितना रह सकता है। तो जनरल के लिए अगर हम बात करें लोएस्ट कट ऑफ, तो देखिए आपका लोएस्ट 550 तक रह सकता है जनरल वालों के लिए, 550 जनरल वालों के लिए, कम से कम जो है आपका 550, उससे भी कम अभी जाएगा आपका, ये एक्सपेक्टेड है, मैं कह रही हूँ ये एक्सपेक्टेड है, 550 से भी कम जाएगा, सीट्स फुल नहीं हुई इससे भी कम गिरेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, लोएस्ट कितना इसका रह सकता है, तो लोएस्ट इसका आप 520 कर लीजिए, ठीक है, मतलब 520 तक जो है कम से कम मेन कैंपस आपको मिल जाएगा, ओबीसी कैटेगरी है तो 520 से भी कम जाएगा, ध्यान रखिए। अब अगर एससी की बात करें तो एससी में आप 500 रख लीजिए, ठीक है, 500 तक आपका जो है एडमिशन होगा, 500 तक अगर आपका एससी कैटेगरी से हैं और 500 है तो आप खुद को सेफ जोन में रखिए, आपका श्योरली एडमिशन हो जाना है मेन कैंपस में। ईडब्ल्यूएस के लिए आप जो है 520 रख लीजिए, ठीक है, 520 अगर आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो सेफ जोन में, आप मेन कैंपस तो आपको मिल जाना है, एसटी ऑल। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका 500 प्लस है ना, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में हैं, मेन कैंपस आपको मिल जाएगा। बाय द केस मेन कैंपस नहीं मिलता है तो
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट एफिलिएट कॉलेज है सीएमपी डिग्री कॉलेज, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जिन बच्चों का नंबर 300 है, जिन बच्चों का नंबर 400 है, यानी कि 500 से कम है, उन बच्चों को भी बिल्कुल डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के लिए सीट्स हैं, पर्याप्त सीट्स हैं। इसके अलावा जो यहाँ के एफिलिएट कॉलेज हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज, एडीसी, ओके, जगत तरण डिग्री कॉलेज, इन कॉलेजेस में भी सीट्स पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत लो तक आपका जो है एडमिशन होता है, बहुत कम नंबर तक यहाँ पर भी गिरता है, ठीक है, कट ऑफ। तो कुल मिलाकर अगर आपका 300 है, 400 नंबर है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, एफिलिएट कॉलेज में आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई, कट ऑफ बहुत जल्द रिलीज़ होगा, जब भी रिलीज़ होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और कोई भी डाउट है अभी भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।